ये मेरा हेलीकॉप्टर है दीपक बेवफा। बारिश तो ठीक है ना? वफा चाय वाला, चाय तो अच्छी है। नए साल की बधाई है। हाँ, अभी फिलहाल खाली है, इसे बच के रहना पड़ेगा, नहीं फोन छीन लेता है। वाशु आता तो इसे जरूर लेता। घंटे 8 घंटे लाइन लगती है तब जाके दर्शन होते हैं। वहाँ सामने सरसों लगा है। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं महादेव के मंदिर भवरेसर। ये हमारे घर से करीब पड़ता है 40-45 किलोमीटर। आज हमारे साथ वासु और नेहा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि उन लोग की तबीयत थोड़ी डाउन है, प्लस आज हम लोग के पास कार नहीं है, हम लोग जाएंगे अपनी बाइक से। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं मंदिर के बारे में और करते हैं वहाँ पे दर्शन। आज हम लोग इस बाइक से चलेंगे। yes. ये है अजीत भाई की बाइक। ये है क्या बोले? ये है मेरा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर सही। ये वासु का हेलीकॉप्टर। कर रही है। हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, इसलिए भाई ये छोटी सी हेलीकॉप्टर मेरी भी लगी हुई है। क्या मेरी भी हेलीकॉप्टर अच्छी है? जो है सो है। चलिए दोस्तों निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। कम ऑन लेट्स गो बेबी। ओके, लोग निकल लिए हैं घर से। ये छोट आज का मौसम काफी ठंडा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अजीत भाई क्या लगता है मंदिर तक पहुंच पाएंगे ना? उम्मीद तो है। बारिश तो नहीं हो जाएगी बीच रास्ते में? भोलेनाथ का दर्शन करेंगे बीतते हुए। रायबरेली रोड हम लोग चल रहे हैं रायबरेली की तरफ। ये है शहीद पथ। आज के जमाने में भी क्या था? टांगा। अरे चाचा चलो यार, आ गए डेंटल चौराहे पे। टाइट देखने देंगे तब तो। अरे एक बार देखो टांगा तेज होने लगी। बारिश हो गई है तेज। बारिश होने के वजह से हमें रास्ते में रुकना पड़ा है। रुक गए हम लोग दीपक बेवफा चाय वाला के पास। अजीत भाई बाइक चला चला कर ठंडा गए हैं तो आग ताप रहे हैं। ज्यादा ठंडी लग रही है? बारिश ठीक है ना? हाँ। इन्होंने चाय रेडी कर लिया था, बेवफा चाय वाला। अभी बताइए कैसा लगा टेस्ट? चाय तो अच्छी है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी तो हम हाँ। लोग यहाँ पे आके रुक गए हैं दीपक बेवफा चाय वाला पे। हाँ। अच्छा लगा यहाँ पे देखने में तो देखे भाई बेवफा चाय कैसी होती है। हम लोग करीब 30 किलोमीटर चला है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर और बचा है। चाय तो काफ़ी टेस्टी है यार, नो डाउट। ये हैं भाई साहब जिन्होंने बनाया है चाय, काफ़ी अच्छा चाय बनाया है। कुछ बोलना आपको? उनसे बुलवाया है। आप कुछ बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि चाय काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टेस्टी है। नए साल की बधाई है। हाँ हाँ। हम लोग मंदिर आ चुके हैं जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो एरिया है आप देख सकते हो, इस एरिया को यहाँ पे सावन के टाइम पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है। अभी फ़िलहाल खाली है तो अच्छी बात है, अभी सावन का टाइम नहीं चल रहा है तो इसलिए अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर और अंदर चलकर दर्शन करते हैं। ओके। हे बाबा यहाँ तो बहुत बंदर हैं। इनसे बच के रहना पड़ेगा, नहीं फ़ोन छीन लेते हैं।
ये देखो ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं मंदिर के अंदर। इस वाले सेट के नीचे शायद दुकानें लगते होंगे मेला के टाइम पे। बाय बाय मंगी। श्री भवेश्वर धाम, ये है गेट, इसके अंदर से हम लोग जाएंगे। यहाँ पे है ढेर सारी दुकानें, यहाँ पे प्रसाद मिलता है, खिलौने हैं बच्चों के और बहुत सारी दुकानें बंद हैं। एक तो ठंड काफ़ी पड़ रही है ना, इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा सन्नाटा है। अभी थोड़ी सी धूप आई थी और फिर वापस ख़त्म कुछ सेकंड में। वाशु आता तो इसे ज़रूर लेता। ये है मंदिर, मेन मंदिर है ये, और हम लोग ने बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी थी। यहाँ पे हम लोग लेंगे प्रसाद। आ गए भैया के यहाँ प्रसाद लेने के लिए। भैया जल है ना, जल चल अंदर ही जल मिल जाएगा। अच्छा कितने का है? जो अच्छा चलिए, हम लोग ने ले लिया है प्रसाद चढ़ाने के लिए और इस लोटे में पानी मिलेगा अंदर। चले चलते हैं। जल काफी खूबसूरत है ये मंदिर। पकड़िए प्रसाद। मंदिर के हम अंदर हम लोग चल रहे हैं। अंदर हम लोग आ गए मंदिर के। काफी सुंदर लग रहा है दिखने में ये मंदिर। जल जो हमें लेना था वो अंदर ही है, चलकर देखते हैं कहाँ से जल लेना है। तो ये रहा, यहाँ से ही हम लोग जल लेंगे। इसे दीजिए, देखो वो गिरेगा। वो अजीत भाई ने जल भर लिए हैं, अब चलते हैं। इसे फोल्ड कर दीजिए। हाँ अब तो पा लिए। कुछ खाने के लिए लेने आए हैं ये लोग को। गए चलिए गाइस, फाइनली हम लोग को दर्शन हो गए। इतना सन्नाटा था, बहुत अच्छा लगा, नहीं तो धक्का मुक्की होती रहती थी। चलिए अब चलते देखते हैं मंदिर में और क्या क्या है। ओके फाइनली अब हम लोग चल रहे हैं बाहर की ओर। चाहिए कुछ दे दो इसे। अजीत भाई आगे कहाँ चल रहे हैं? चल रहे हैं, देखते हैं उधर क्या हो रहा है। आगे कुछ तो था बोटिंग करने के लिए। सावन के टाइम में यहाँ पे काफी भीड़ रहता होगा। करीब 4 घंटे 8 घंटे लाइन लगती है तब जाके दर्शन होते हैं सावन के टाइम में। देखिए वहाँ पे बोटिंग हो रही है। हाँ चलो, कौन सी नदी है ये? साई नदी है। साई नदी, साई 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 रामायण में आती रही है। हाँ साई नदी उतर, साई नदी उतर भी गए गोमती नहाए भगवान राम। चलिए पलटेगा नहीं ना, ऐसे पलटने लगे अब जा रहा है स्पीड पे। हाँ जाएगा ये, अभी मोड़ के ले आएगा।
काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, पानी भी लगभग साफ ही है, ज़्यादा गंदा तो नहीं दिख रहा पर थोड़ा गहरा है। वहाँ सामने सरसों लगा है और दिखने में काफ़ी ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो पास से सरसों का प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पानी ज़्यादा ही गहरा है, ये पानी की लहर उस बोट की वजह से बनी है, थोड़ा गहरा है। हाँ यहाँ पे गहरा है, अजीत भाई काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। अब वापस किनारे की ओर चल रहे हैं, ये है मंदिर का नज़ारा, हम लोग किनारे की ओर आ चुके हैं। सो गाइस आपने देखा मैं गया था अपनी पर्सनल याट में घूम घाम के आ गया हूँ वापस, अब हो गए दर्शन अच्छे से, चलिए निकलते हैं घर वापस। थोड़ी सनलाइट भी आ गई है, थोड़ा सा धूप भी दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, ठंड कम लगेगी रास्ते में। अरे याट के ड्राइवर आप लोग कभी यहाँ आए तो इनसे कॉन्टेक्ट करें, बता देना संजय। गाइस तो अजीत भाई गए हैं पकौड़ी लेने के लिए, आते हैं तो खाकर बताते हैं कैसा। हम लोग की गर्मा गर्म पकौड़ी आ गई है, हम लोग इसको करते हैं टेस्ट। अभी थक गए काफ़ी दूर था, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और आपने हमारे चैनल एजेस व्लॉग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।